पैतृक गांव में वो हिम्मत कभी नहीं जुटा सकता है हेमंत सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ने की। जो कांग्रेस ने पूरे देश को खोखला कर दिया और झारखंड को भी सब खंडहर बना रहे। विधानसभा के प्रथम प्रत्याशी रहे, आप इसी जीत के साथ प्रत्याशी ने विधायक रहे हैं भाई, प्रत्याशी ने विधायक रहे हैं, उसमें आप मुख्यमंत्री भी बने, आप एनडीए गठबंधन के साथ फिर पुनः इसी मैदान पे आए हुए, कितना कारगर होगा सुनीता चौधरी? देखिए, मैं आज तो मैं पहली दफा यहाँ घूमा हूँ, लेकिन जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ भी मीटिंग रहा, लोगों में काफ़ी उत्साह है और जोश दिखाई पड़ रहा है। और लोगों से जो कुछ भी मैं बातचीत कर रहा हूँ तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई भारी वोटों से इस बार एनडीए गठबंधन के जो आजसू के जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी जी, वो जीत रही है। सर, वहाँ गठबंधन सरकार में है और एनडीए के भी यहाँ गठबंधन है, तो क्या वहाँ गठबंधन को सरकार का फायदा मिलेगा एनडीए के लिए? देखिए, वो तो कोशिश करेंगे, लेकिन जनता इस बार सजग हो चुकी है, जनता इस बार राज्य के धोखा नहीं। राज्य के मुखिया के पैतृक गांव प्रखंड है, कितना कारगर होगा एनडीए प्रत्याशी? अरे भैया, मैं तो कह रहा हूँ ना, वो तो पैतृक गांव में वो हिम्मत कभी नहीं जुटा सकता है हेमंत सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ने की। उसके गांव क्या हुआ है, वो तो बेचारा सुरक्षित सीट घूमते हैं, कहाँ गंगा किनारे बरेड चले गए, और हम तो यहाँ से जीते हुए हैं, इसलिए उसके गाँव से कोई मतलब नहीं होता है भाई। उसको इतना हिम्मत होता तो यहीं से वो चुनाव लड़ते, कभी लड़के दिखा दे वो। सर, कांग्रेस को इस बार सहानुभूति का वोट मिलने वाला है? अरे काहे को सहानुभूति भाई, किस बात की? जनता के लिए? अरे जनता के लिए कौन सी सहानुभूति भाई? जो कांग्रेस ने पूरे देश को खोखला कर दिया और झारखंड को भी सब खंडहर बना रहे हैं, अब उसमें कौन सी सहानुभूति होगी जनता की? अरे जब बालू तक की लोगों को यहाँ नसीब नहीं हो रहा है, वो भी सब लूट ले जा रहा है, ये लोग पत्थर को लूट करके ले जा रहा है, भ्रष्टाचार सब जगह चरम सीमा पर है, बहू बेटियाँ यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, तो काहे को जनता का सहानुभूति होगी? रामगढ़ उपचुनाव में सर युवाओं का रोजगार भी एक फैक्टर रहेगा क्या? निश्चित रूप से रहेगी। आज तो झारखंड में बेरोजगारी इस आलम कदर फैल गया है, अब मैं यहाँ के गाँव की मैं तस्वीर बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं घूम रहा हूँ, शहर से थोड़ा नज़दीक है अगल बगल, और नहीं तो झारखंड में गांव के गांव लोग बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, रोजगार नहीं है, सब कुछ यहाँ काम धाम ठप पड़ गया है, कहीं भी कोई एक नंबर काम नहीं हो। कम से कम बालू घाट डीसी के माध्यम से ऑक्शन कराते तो एक नंबर में लोकल लोगों को काम भी मिलता, तो लोगों के हाथों में पैसा आता। शराब की नीलामी भी मैंने कहा कि भैया आप डीसी से आप नीलामी करवाइए, लोकल लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, लोकल को रोजगार मिलेगा, वो भी नहीं किया, कहाँ से छत्तीसगढ़ से बड़े बड़े कंपनियों को ला करके दिया। हमने कहा कि पत्थरों को भी खदान जहाँ कहीं भी है, जो माइनर मिनरल्स है, वो भी लोकल लोगों को आप दीजिए। बात तो ये बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किनको देते हैं? बड़े बड़े पैसा वाला को, या तो इलीगल काम कराते हैं, जो इनके दलाल है, उनके बिचौलिया है, वही लोग सब लूट रहे हैं। 2019 में आसू अकेली थी, इस बार बीजेपी अलायंस में है। अरे 2019 तो बीत गई ना, आप 2000 फायदा मिलेगा सर उपचुनाव? अलायंस का फायदा मिलेगा उपचुनाव? हम लोग आप मिल करके हम सब लोग लड़ रहे हैं, आप देखिए, आप इस बार बम्पर वोटों से जीतेंगे हम लोग, ठीक है।